नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। आपका न्यूज़ में आज हम कश्मीर पर चर्चा करेंगे। कश्मीर हमारे देश की वो सुंदरता है जिसे लोग देखकर स्वर्ग भी कहते हैं और हमारे देश का मुकुट भी है। उसी कश्मीर पर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन साहब से। पांड्यन सर, आपका न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार पांड्यन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि धारा 370 को जिस तरह से फिर से हटाकर मोदी सरकार ने एक तरह का इतिहास रच दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मोदी सरकार ने जो 370 हटाया ये आज वक्त की मांग थी और उन्होंने जो किया वो सही किया मेरे हिसाब से। क्या लगता है, कश्मीर के काफ़ी सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमें सचमुच धारा 370 हटाने के बाद आज़ादी मिली है? बिल्कुल ना, धारा 370 ऐसा कलम था। एक्चुअली 1929 में धारा 370 पे लागू गया था, मतलब विशेष स्टेट्स का दर्जा। एक्चुअली उस वक्त का जो पॉलिटिकल मांग था तो नेहरू जी ने ये उसको इम्प्लीमेंट किया था, ये उस वक्त के हिसाब से सही था। पर आज के दौर में जो जब देश आज़ाद हो चुका है और कश्मीर हमारा अंग है, अटूट अंग है, और उस पर जो धारा 370 की वजह से जो अलगाववाद जो तैयार हो रहा था और वहाँ से मतलब ट्रेड की और बाकी बहुत सारी चीज़ें की मतलब जो डिफ्रेंशिएट था, तो ये आज वक्त की मांग थी, उन्होंने लगाया और आज मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। धारा 370 जिस तरह से हटा दी है, तो हम पांड्यन साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब जिस तरह से पहले नियम था कि धारा 370 थी वहाँ लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना ही बेच सकते थे, अब जो धारा 370 हटा दी है तो इसको हटाने के बाद किस तरह के बदलाव आएंगे? देखो, धारा 370 हटाने के बाद ऐसा है ना कि वहाँ पर जो पाबंदियाँ थी जो 370 रहते हुए, तो ज़मीन नहीं खरीदना, वहाँ पर जो दूसरे लोग आके उधर सेटल नहीं कर सकते, वहाँ की लड़कियाँ या वहाँ के लोग यहाँ पर शादी करते थे तो उनका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता था, तो ये सब चीज़ अभी वो ख़त्म हो गई है। और एक बार जब ट्रेड चालू होगा तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार होगा और ये अच्छा ही है कि अभी हम यहाँ के जो बॉम्बे के लोग हैं, जो कश्मीर जो हमारे देश का स्विट्ज़रलैंड या हमारे देश का मतलब के बोलता ना मुकुट, जैसे आपने बोला कि सरताज है, तो हम भी वहाँ पर आप छोटी ज़मीन खरीद सकेंगे। आज हम भी मतलब जैसे लोग सेकेंड मतलब होम्स बनाते हैं, ऐसा बना सकेंगे, ये मतलब अच्छी बात हुई है। धारा 370 हटा दी, लेकिन इस पर एक तरह से लेकिन पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, पाकिस्तान की बौखलाहट ये है कि आपने देखा होगा कि 370 हटने के बाद वहाँ का मतलब कैसा हो गया, वहाँ का सीनारियो अलग सीनारियो हो जाएगा। लोग यहाँ के लोग जो अगर भारत के विजिट दो अलग अलग देश अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाके रहेंगे और वहाँ के जो मुस्लिम जो फैसिस्ट थे तो उनको हमारा सामना करना पड़ेगा, उसी वजह से उनको या तो वो फैसिज्म छोड़ना पड़ेगा, उनको हमारी तरह सेकुलर होना पड़ेगा, ये सब होगा। और आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कारगिल के मतलब कारगिल तक है, तो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने इंक्रोच करके रखा है उस टाइम पे, तो ये होगा ना कि जब हम उधर जाएंगे तो हम अपना वो हिस्सा मांगेंगे, अपना जो हिस्सा हमारे लिए तो हम उसको वापस कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड किया है हमारे साथ जो कब्जा किया है, तो इस वजह से ये माहौल तैयार होगा। जैसे अभी ये माहौल तैयार होकर 370 हटाया गया, फिर दूसरा माहौल ये होगा कि अपनी अपनी जो बॉर्डर अपनी जो सीमा है वहाँ तक मोदी जी लेके जाएंगे कश्मीर को, उतना बड़ा करेंगे, तो उनको डर है कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है और जो पाकिस्तान का जो उस बॉर्डर टेररिज्म जो चलता था वहाँ पर उस साइड पे वो ख़त्म हो जाएगा। धारा 370 को पाकिस्तान एक तरह से शस्त्र की तरह यूज़ कर रहा था, आखिर कैसे? एक्चुअली पाकिस्तान क्या कर रहा था, आपने देखा होगा कि जो कश्मीर था तो वहाँ का एक राजा था, तो वो जो है जब बॉर्डर हो रहा था और जब नेहरू जी बोल रहे थे कि कश्मीर को हमारे इसमें आना चाहिए, तो पाकिस्तान भी चाह रहा था कि वो उनके हिस्से में आए, ऐसा था। तो उस टाइम नेहरू जी ने जो 370 धारा लगाई वो इसलिए लगाई कि कुछ लोग जो थे वहाँ से जो आ रहे थे पाकिस्तान से, जो जब बॉर्डर हो रहे थे कुछ लोग यहाँ पर आ रहे थे कुछ यहाँ पर, तो नेहरू जी चाह रहे थे कि जो यहाँ से जो मुस्लिम्स है या जो उधर जाने वाले थे वहाँ पर के बसने वाले थे कश्मीर में, या तो कश्मीर के जो लोग थे जो यहाँ पर आके बसने वाले थे और वहाँ के सिटीजन बन जाते थे, कि मेजोरिटी किसी एक की हो जाती तो फिर वो कश्मीर जो अपना अंग था जो भारत का हिस्सा था वो टूट ना जाए कहीं और चला, इसलिए वो उस टाइम दर्जा 370 का दर्जा वो ज़रूरी था, तो नेहरू जी ने वो लगाया था। और अभी वो जो डर मतलब कि आपका जैसा प्रश्न था, शस्त्र की तरह इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉर्डर जो था बॉर्डर वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिसको पाकिस्तान ने मतलब अपनाया नहीं था और इंडिया अपना नहीं रहा था, तो बॉर्डर जो बॉर्डर जो था नो मैंस लैंड जो उधर जो मुजाहिदीन बसे थे तो उनको इस्तेमाल करता था कश्मीर को कब्जा करने, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला था, तो ये उनको हथियार और
पैसे और गोला बोर दे के उनको मतलब भारत की तरफ ये करता था कि हमेशा इधर अस्वस्थ रहे, और धीरे धीरे वो इंक्रोचमेंट बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे ऐसा था। तो वही पाकिस्तान जो उसको इन लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान जिस तरह से अभी हमारे कश्मीर में हमारे 370 धारा हटा दी गई है, तो इतना ज़्यादा बौखला गया है कि उसने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। तो ये अगर व्यापारिक रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है इससे हिंदुस्तान को क्या नुकसान होगा या फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? देखो, व्यापारिक रिश्ते जो है वो ख़त्म करने की बात जो कर रहे हैं पीएम, वो एक वहाँ का एक बोलता ना कुछ लोगों का जो पॉलिटिकल प्रेशर है वहाँ पर, जैसे जो अलगाववादी लोग हैं और जो समझते हैं कि कश्मीर उनका है या उनको कश्मीर में कब्जा करना है, जो वो मेंटेलिटी के लोग थे, जो वो जो अपने तो बगा देखा होगा जो पीएम जो है हमारे इमरान खान साहब, ये सेना मतलब सेना स्पॉन्सर्ड पीएम है, मतलब अपने बलबूते पे जीत के आए, सेना ने उनको जिताया, और सेना उधर हमेशा पाकिस्तान पे ये रहा है कि उधर सेना का हमेशा मतलब कि ये मतलब मेन मतलब हाथ जो रहा सेना का रहा, जो भी पीएम बना वो सेना से अफिलेटेड ही रहा है। तो सेना का मतलब वो जो ना बॉर्डर टेररिज्म बॉर्डर पे जो उनका ये रहा है, तो इस वजह से मतलब ये बौखलाहट में लोग बोल रहे हैं। और अगर ये ट्रेड रिश्ते बंद होते हैं तो नुकसान पाकिस्तान को है। हम तो हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ बनाते हैं, हमको पाकिस्तान से ऐसा लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमको ये ना दे तो पाकिस्तान को मतलब हमको नुकसान हो गया, हमको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हम ना देंगे तो पाकिस्तान को उधर कमी होगा। आपने देखा होगा आज पाकिस्तान सबसे कर्ज मतलब ना कर्ज में डूबा हुआ देश है, और उसकी इकोनॉमी एकदम क्रश है, और हम लोग बढ़ती इकोनॉमी, हम बढ़ते डेवलपमेंट कंट्री में हमारा इंडिया अभी शुमार होता है। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि अगर इस बार भारत से अगर किसी तरह से लड़ाई होती है, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनका ये कहना है कि इस बार जो लड़ाई होगी हिंदुस्तान के साथ तो वो हमारी आखिरी लड़ाई होगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, अगर इस बार अगर लड़ाई होगी तो आखिरी लड़ाई होगी, 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, और शायद वो पाकिस्तान इंडिया हो जाएगा, और हमारा देश विजय होगा, और पाकिस्तान ना जो है नक्शे से गायब हो जाएगा। ये थे राष्ट्रीय भीमसेना अध्यक्ष आर आर पांडियन साहब, जिनका कहना है कि जिस तरह से इमरान खान के मंत्रियों का कहना है कि इस बार अगर लड़ाई हुई तो वह आखिरी होगी, तो हमारी तरफ से भी ये कहना होगा, पांडियन साहब का कहना है कि भारत की तरफ से कि हम 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर विजय हासिल करेंगे और पाकिस्तान को भी भारत में ही विलीन कर लेंगे। मैं संजय मेहरोलिया, कैमरामैन विवेक कोटवाल के साथ, आपका न्यूज़ मुंबई।